Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says three samples A, B and C of the same gas, gamma is given 1.5, have equal volumes and temperatures. The volume of each sample is doubled, the process being isothermal for A, adiabatic for B and isobaric for C. If the final pressures are equal for the three samples, find the ratio of the initial pressures. Okay. तो आप देखो हमारे पास तीन सैंपल है, सैंपल ए, सैंपल बी एंड सैंपल सी। इनिशियली जो वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर है वो तीनों सैंपल के लिए सेम है। सो लेट्स से इनिशियल वॉल्यूम दैट इज वी आई एंड इनिशियल टेम्परेचर दैट इज टी आई, तीनों सैंपल के लिए सेम रहेगा। नाउ हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को डबल कर देते हैं, तीनों सैंपल के वॉल्यूम को आप डबल कर देते हो, देन जो फाइनल वॉल्यूम आएगा दैट विल बी टू वी आई, राइट। तीनों सैंपल के लिए कितना आएगा, 2VI। एंड आप देखो जो सैंपल ए है उसके लिए प्रोसेस आइसोथर्मल है, सो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है सैंपल बी के लिए, एंड सैंपल सी के लिए ये आइसोबारिक प्रोसेस है, राइट। एंड फाइनल स्टेट में आप देखो जो प्रेशर है तीनों सैंपल के लिए सेम है, इफ द फाइनल प्रेशर आर इक्वल फॉर द थ्री सैंपल्स। सो लेट्स से जो फाइनल प्रेशर है दैट इज पी फाइनल, तीनों सैंपल के लिए सेम रहेगा, राइट। नाउ हमें इनिशियल प्रेशर का रेशियो फाइंड आउट करना है, सो लेट्स से इनिशियल प्रेशर ऑफ सैंपल ए दैट इज पी ए, सैंपल बी के लिए पी बी है एंड सैंपल सी के लिए पी सी है। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज सिंपली पी ए रेशियो पी बी रेशियो पी सी। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो जो सैंपल ए है ये आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का जो प्रोसेस इक्वेशन है That is PV is equal to constant. Pressure into volume constant रहेगा. So we can say PA into VI that is equal to PF into 2VI, right? And जो sample B है वो adiabatic process को follow करता है. So adiabatic process equation that is PV raised to the power gamma, this will be constant. It means PB VI raised to the power gamma that is equal to PF 2VI raised to the power gamma. And जो sample C है ये isobaric process को follow करता है, isobaric process means pressure constant रहेगा, pressure change नहीं होगा, so we can say PC that is equal to PF, है ना, initial pressure is equal to final pressure. Now आप देखो कि यहाँ से हम pressure के value find out करते हैं, like VI से VI cancel हो गया, so PA that is equal to twice of पी एफ। एंड इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में वी आई राइज टू द पावर गामा कैंसल हो जाएगा, सो यू विल गेट पी बी दैट इज इक्वल टू टू राइज टू द पावर गामा इंटू पी एफ, एंड पी सी दैट इज इक्वल टू सिंपली पी एफ। सो वॉट यू हैव टू फाइंड आउट इज पी ए रेशियो पी बी रेशियो पी सी, राइट। सो जस्ट वैल्यूज पुट करो, टू पी एफ रेशियो 2 raise to the power gamma PF ratio PF. So PF, PF, PF cancel हो जाएगा. The ratio will be 2 ratio 2 raise 2 raise to the power gamma means 1.5 ratio 1. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye.